हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको C61 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर को अपनी जीमेल आईडी पर सेव कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का आपको ना डायल पैड ओपन कर लेना है, ठीक है। डायल पैड में आप जो है कोई भी नंबर यहाँ पर जो है एंटर कर लीजिए। इसके बाद सबसे ऊपर आपको न्यू कॉन्टैक्ट का ये ऑप्शन है, न्यू कॉन्टैक्ट पर टैप करना है। अब देखिए पेज आएगा, इसमें जो भी नंबर आपने एंटर किया था ना उसका नाम यहाँ पर डाल देना है। नाम यहाँ पे डाल लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ये सेव टू का ऑप्शन है, सेव टू पे सिलेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए अगर आपका ये लोकल पे सिलेक्टेड है ना, तो इसमें आपको अपनी जीमेल आईडी दिखाई देती है, जीमेल आईडी पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। जीमेल आईडी आपका ये हो जाएगी इस तरीके से, सेव टू गूगल। इसके बाद आपको सबसे ऊपर राइट क्लिक का ऑप्शन टैप करना है, तो आपका ये जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा ना ये आपकी जीमेल आईडी पे सेव हो जाएगा, ठीक है।